हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम करेंगे क्लास एट्थ के लिए एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे। दो हम पहले कर चुके हैं, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। एक दुकानदार रुपये 2,400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दो चीज़ आपके सामने, वस्तुएं और उनका मूल्य। अब मूल्य दो तरह का है, यहाँ एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जिस जितने रुपए में हम खरीद के कोई वस्तु लाते हैं, खरीद मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं। और वही वस्तु अगर हमने बेचनी है तो उसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे। तो इसमें दिया हुआ क्रय मूल्य है और बताना हमने विक्रय मूल्य है। तो देखो हम कैसे करते हैं। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, या लिखेंगे हम 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये है रुपये 2400। अगर हम एक वस्तु का निकाले, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2400 को 80 से भाग दे दो, एक जीरो कट जाएगी और 8 से ये कट गया, तो ये आ गया रुपये 30 रुपये। हमने बताना है एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य का तो हमें पता लग गया 30 रुपये है और इस पर लाभ दिया हुआ है, लाभ है 16%। अब 16% का अर्थ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आना चाहिए। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो उस पर 16 रुपये लाभ लेता हो तो वो 116 में बेच देगा उसको, ये है 16% लाभ का अर्थ। लेकिन वो वस्तु 100 की नहीं है, वो तो 30 की है। 30 पे कितने में बेचे कि 16% लाभ हो, इसमें हम लेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब यहां आप एक चीज ध्यान रखें, एक तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, और एक अगर आपने सीधा ही निकालना है तो आप इस बात का ध्यान रखें क्या कि 30 रुपये में खरीद के लाया, 16% लाभ भी लेना है, तो जो आएगा वो विक्रय मूल्य 30 से ज़्यादा ही होगा, तभी तो लाभ होगा। अब 30 से ज़्यादा के लिए क्या है, मैंने ये बताइए 16% लाभ का मतलब है जो चीज़ 100 की थी वह 116 की हो जाएगी। तो 116 और 100 दो चीज़ आपके पास, 16% लाभ से हमें दो चीज़ मिलेगी, एक 100 जो चीज़ 100 थी वह 116 की हो गई है। अब हमने निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इससे ज़्यादा आएगा। अब ज़्यादा आएगा ना तो ज़्यादा ऊपर लेनी है, हमें कम नीचे लेनी है, ये ध्यान रखें। जो निकालनी है हमें ये, उसका आप पहले अपने मन में ये आकलन कर लें कि जो हम राशि निकालने जा रहे हैं कि वो राशि इससे ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर कम हो तो कम संख्या ऊपर आएगी, बड़ी संख्या नीचे आ जाएगी। अगर है ज़्यादा इससे तो ऊपर ज़्यादा ले ली, नीचे कम ले ली और गुणा में ये राशि कर दी। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, और वैसे तो क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं इस क्वेश्चन में, अगर आप ना काटे तो और भी ज़्यादा आसान रहे। चलो ये इतना काट दिया जीरो से जीरो। अब इसकी गुणा करो, 3 6 18, 3 3 1 4 और 3 1 3 बटे 10 है। अब 10 को अगर हमने हटाना है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये आ गया 34.8 इतने रुपये। इसका मतलब है 34 रुपये 80 पैसे, 8 पैसे नहीं है ये, अगर 8 होता तो ऐसे लग होता ऐसे, लेकिन ये पॉइंट के बाद 8 है और आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 है। तो 34 रुपये 80 पैसे इसका विक्रय मूल्य आ गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। ये तो है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगाओ कि जो हम निकालने जा रहे हैं वो कम होगा या ज़्यादा होगा इससे, जो ज्ञात है, जो हमें पता है, हमें पता लग गया भाई इससे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा संख्या ऊपर लो, कम नीचे लो,
वही से पता लग जाएगा। 16% लाभ का मतलब है जो चीज़ 100 की थी वह भी 116 की हो गई है। अब 116 ऊपर आएगा नीचे आएगा वो ये संख्या बताएगी, ये जो निकालनी है। निकालने वाली संख्या इससे ज़्यादा है तो इसलिए ऊपर ज़्यादा लो नीचे कम लो और सीधा ही फार्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाता। और यदि आपने इसी सवाल को सूत्र से निकालना चाहें तो हम यही लिखेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का सूत्र ये होता है क्रय मूल्य गुणा में 100 और यहाँ आता है जमा में लाभ प्रतिशत, और यदि हानि हो तो माइनस में हानि प्रतिशत हो जाएगा, किसी सवाल में हानि भी आ जाती है, और बटे 100 हो जाएगा। अब अगर ये सूत्र हम लगाएं यहाँ क्रय मूल्य का हमें पता है 30 रुपये है, गुणा में 100 जमा में लाभ प्रतिशत करेंगे तो लाभ प्रतिशत 16 है, तो 100 जमा में जब 16 करेंगे 116 हो जाएगा और बटे में 100। फिर इसको काट सकते हैं, वही चीज़ आएगी 116 गुणा में 30, जैसे आ गया 116 गुणा में 30 और बटे में 100। आप इस सूत्र से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसको काटोगे तो वही आंसर हमारा आ जाएगा 34 रुपये 80 पैसे, ये आ जाएगा। तो इस सूत्र से भी आप इसको याद जरूर रखें, विक्रय मूल्य निकालना है तो ये सूत्र लगाएं, और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य का भी सूत्र है वो भी देखो। क्रय मूल्य निकालना है तो क्या होगा, चलो हम बताते हैं, अभी क्रय मूल्य सवाल आएगा उसमें बताएंगे, तो इसको देखिए अब आगे। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक वस्तु का मूल्य ₹15,500 था और ₹450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे, यदि इसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हमारे सामने इसमें तीन चीज़ है मूल्य मुख्य रूप से जो आपको दिखाई दे रही है, एक तो ये है वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरा इसकी मरम्मत पर खर्च हुआ ₹450, और तीसरा हमने विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम सबसे पहले लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य, या सिर्फ मूल्य भी कह सकते हैं इसको, ₹15,500 और मरम्मत पर खर्च हुआ ₹450, ये इसमें जोड़ देने हैं, ये वस्तु का हमने मूल्य है और ये इसके ऊपर मरम्मत पर खर्च हुआ, तो ये टोटल जो होगा ये होगा इसका वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का कुल क्रय मूल्य भी कह सकते हैं या सिर्फ क्रय मूल्य लिख सकते हैं, 0, 5 और 4, 9, 5, 1, 15,950 रुपये में इसका क्रय मूल्य है। लाभ है इसके ऊपर, लाभ दिया हुआ है 15%। अब हमने निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य। अब वस्तु का विक्रय मूल्य जो इससे पहले वाले सवाल में हमने सूत्र लगाया था वही हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगा दें, तो उसका सूत्र है क्रय मूल्य गुणा में 100 जमा में लाभ प्रतिशत। यदि इस सवाल में हानि होती तो हम यहाँ घाटा हानि प्रतिशत कर देते और बटे 100, अगर तो यहाँ आ जाएगा 15,950 क्रय मूल्य हो गया गुणा में 100 जमा में लाभ प्रतिशत, लाभ है 15%, 100 में जमा करेंगे तो 115 बटे 100। अब इसको काटने का तरीका ये, ऊपर एक जीरो है तो नीचे से एक जीरो काट दी, 5 से ये भी कटता है, 5 × 10 और 5 से यू काटो, 5 × 3 = 15, 5 = 5, 5 × 45।
अब दो से ना ये कटता ना ये कटता, दो नीचे ही रहेगा। हम इसको गुणा कर लेते हैं, 319 की और 115 की गुणा, 319 गुणा 115, 5 नीम 45, 5 5 4 9, 5 15 और 913 913, 5 9 9 18, 10 और 5 15 116, 3 2 5 16, 3 ये और बटे दो इसके, तो ये हो गया 36685 बटे दो। अब दो से भाग कर दो इसको, इसको यदि दो से भाग करें हम, दो एक हम दो बचा एक उतारा छः, दो आठे सोलह जीरो बच गई, ये छः फिर उतार लिया, दो तिया छः और फिर ये आठ उतारा, दो चौके आठ, फिर पाँच उतारा, दो दूनी चार और बच गया एक। यहाँ तक आपने भाग किया सही, ये एक रुपया बच गया और इसके पैसे बढ़ाने तो दो जीरो लगा दो और यहाँ दशमलव। दो से भाग करें, दो पंजे दस, ये जीरो उतारी, फिर जीरो बचला जाएगा, यहाँ जीरो हम लगा सकते हैं तो ये आ जाएगा, हमें पता लग गया इसकी वैल्यू आ गई 18,342 रुपये और 50 पैसे। ये हम इस प्रकार से इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए आप आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। ओके, थैंक यू।